Find the center of curvature at x comma y of y square is equals to 4ax. क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है. इसका कॉन्सेप्ट ऊपर आई दिख रहा है ना, आई उसको दबा दीजिए. उसमें बहुत सारे खुल के आ जाएंगे वीडियो, उसमें एक कॉन्सेप्ट होगा इसका. ठीक है, ऊपर आई बटन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं वीडियो अगर देखना चाहें तो. स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन. सो दिस इज सुमेश शर्मा एंड यू आर वॉचिंग BSc वीडियोज. बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं BSc के, और नोट्स जल्दी ही मैं अपनी वेबसाइट पे लाने वाला हूँ नोट्स. तो इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आप अगर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप महापाप कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस. फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, फटाक से डिफरेंशिएट करेंगे इसको. dy/dx निकालेंगे, 2a/y आएगा. y की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ रख देंगे, कुछ ऐसा आएगा. a अंडर रूट a/x आएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा दोबारा डिफरेंशिएट करने पे. ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है ये होती है. कॉन्सेप्ट मैंने अप्रूव किया है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का. वो वाला वीडियो देख लीजिए कॉन्सेप्ट वाला. तो dy/dx ये होता है, dy/dx की वैल्यू हमें पता है, d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पता है. देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ जब नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा. तो देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ हो गई dy/dx की वैल्यू. ठीक, देखिए यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे 2 आ रहा था ये, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसका 2 उठा के ऊपर चला जाएगा, यहाँ अप्लाई हो जाएगा. dy/dx की हमें ऑलरेडी पता है इसकी वैल्यू, dy/dx की √a/x है. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ √x है, ये √x आएगा यहाँ हम अप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा x की पावर 1/2, x की पावर -3/2, x की पावर -1 हो जाएगा. यहाँ से x की पावर -1 बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा. ठीक है ना, x पावर देखिए यहाँ LCM ले लीजिए, a प्लस एक्स और 1/x बाहर निकलेगा, तो x पावर -1 ही तो है ना. बात समझने की कोशिश किया करिए. ठीक है ना, -1 आंसर कट जाएगा. ठीक है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें, x प्लस 2x प्लस 2a, तो 2a+3x ये फर्स्ट इक्वेशन है. बीटा की भी वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि बोल बोल कर गला सूख जाता है मेरा. ठीक है, बीटा की वैल्यू सिंपल, dy/dx की वैल्यू रखना है, d2/dx स्क्वायर की वैल्यू रखना है. वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपली ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है, जस्ट वन मिनट, जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है वो देखिए. एलिमिनेटिंग एक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड जो आई है हमारे पास इक्वेशन, उसमें से एक्स हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा, देखिए यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाला, ये चीज़ हमारी अल्फ़ा के इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, अल्फ़ा -2a/3. तो देखिए हमने निकाल ली ये एक्स की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन रख दिया उठा करके. ठीक है, ये मतलब ये दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन जब वैल्यू रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक हमें लोकस मिल जाएगा. ठीक है ना, उस क्वेश्चन को हमने लोकस भी फाइंड कर लिया है. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने फाइंड ही कर लिया था अल्फा कॉमा बीटा. ठीक है, जो कि सही है. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस चैनल. इफ यू आर शेयरिंग दिस चैनल देन आई एम थैंकिंग यू वेरी होल हार्टेडली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.